26 जनवरी का दिन हमारे संविधान बनने के जश्न के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इससे तर कई लोगों के मन में 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के बीच के अंतर को समझना कठिन हो जाता है। लोगों का सवाल होता है कि आखिर देश की ये दो ऐतिहासिक तारीखें एक दूसरे से कितनी अलग हैं? तो चलिए आपको ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भारत के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस भारत की आजादी का प्रतीक है। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री होने के नाते देश को संबोधित करेंगे। वहीं 26 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। वहीं इसके एक दिन पहले देश के राष्ट्रपति टीवी पर राष्ट्र के नाम संदेश देती हैं। 15 अगस्त के दिन पीएम झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर फहराते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस लाल किले में आयोजित होता है। बात करें गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। हालांकि दोनों दिन झंडा फहराने में अंतर होता है। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है, इसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत झांकियों के माध्यम से देखने को मिलती है। 24 जनवरी का दिन देश के लोकतंत्र बनने के नाम पर भी याद किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।